धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। सबसे पहले धृति, धैर्य को धारण करना, फिर अक्षमा करना, यानी कि अक्षमा बदन को चाहिए, छोटन को उत्पात, और क्या विष्णु का घट गया जो भ्रमु ने मारी लात, यानी कि जो बड़े का स्वभाव ही अक्षमा करने का होता है। फिर दम, अपने मन को काबू में करना, ऐसते चोरी ना करना, क्योंकि महाराज जी कहते हैं दास गरीब सकल में साहिब, नहीं किसी का हरना। गरीबदास जी कहते हैं पूरा ब्रह्मांड के नायक जो पूर्ण परमात्मा है, जर्रे जर्रे में कण कण में सर्व रूप से व्यापक है, किसी का हरना छल कपट करना चोरी करना पाप है, ये वेद कहते हैं। ईसा वास्यम वेद्यम जगतम जगता है तेन तत्न भुजिता मा गर्दम कसमितम धनम, कहता वो पूर्ण परमात्मा जर्रे जर्रे में कण कण में व्याप्त है, इसलिए किसी का भी हड़पने और छीनने की चेष्टा मत करो, इसलिए ऐसे चोरी ना करना, छल कपट से किसी का हड़ना नहीं। फिर सोच, सोच होता है पवित्रता। दो प्रकार की पवित्रता होती है, एक तो बाह्य पवित्रता और एक आंतरिक पवित्रता। बाह्य पवित्रता तो जल से नालिया साफ कपड़े पहन लिए, लेकिन वो वास्तविकता नहीं। महाराज जी कहते हैं जल नहाए नहाए नहीं अंत कर्ण मलिन, अगर विचार मलिन है, भाव ओछे हैं, घटिया है, तो वो नहाने का कोई विशेष महत्व नहीं। इसलिए अंतकरण को पवित्र कैसे करांगे, इस वाणी का स्वाध्याय के द्वारा सत्य को धारण करके और धर्म पर चल करके। फिर इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियां जो बहिर्मुखी हो रही है, संसार का खा लू, संसार का पी लू, ये कर लू, महाराज जी कहते हैं मन पसरे को घट में आने सो संज्ञा हमरे मनमानी, यानी कि इंद्रियों को अपने काबू में करना। धी, धी होते बुद्धि। फिर विद्या, ज्ञान, क्योंकि मोक्ष को मार्ग ज्ञान कहो, उन्हें और ने साधन को दिखलाए, महाराज कहते हैं मोक्ष का जो मार्ग है रास्ता वो ज्ञान है, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। और ग्रंथ का पाठ कर लिया लेकिन उस विद्या को धारण नहीं किया तो फिर तब तक कल्याण नहीं, क्योंकि विद्या की दाती विनम, ज्ञान तो वो है जो विनम्रता दिखाए और सब में मेरे परमात्मा की झलक दिखा दे, एक दूसरे का मान सम्मान करा दे, नहीं तो हम अहंकार में छोड़ करके अपने आप को बड़ा समझते, दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। उसके बाद सत्यम, सत्य को धारण करना, छल कपट से रहित व्यवहार करना। देखो ये बड़ा कठिन सवाल है, महाराज जी युधिष्ठिर को जब वो पढ़ा रहे हैं तो युधिष्ठिर को पाठ कराया सत्यम वदे धर्म चर, भी दो ही लाइन पढ़ाई थी कि सत्य बोलो धर्म पर चल। तो युधिष्ठिर से जब सारे बालक साथ पढ़ रहे थे उनसे कहा ये याद कर काना है, और अगले दिन जब पूछ रहे हैं गुरु जी तो मैं ये हो गया याद, सारे नाथ उठा लिए, एक युधिष्ठिर रह गया वो नीचे हाथ कर रहे हैं, बोले भाई क्यों, बोले इसमें तो टाइम लग जाएगा, सारे मजाक रहे सारे हंसे है, भाई दो ही अक्षर है सत्यम वद धर्म चर, इसमें टाइम लग जाएगा। तो बोला कितना टाइम, बोले एक दो महीना तो दे, एक दो महीने को सत्य बोल लिया धर्म पर चलिया छल कपट व्यवहार करा तो फिर जब पूछे कुछ याद होया भाई, बोले जी कुछ कुछ याद होया, कहने का भाव है इसको धारण करना है न कि अक्षर को पढ़ना, कि महाराज जी की वाणी जो है उसको अनुभव में लाना है, धारण करना है ना कि सिर्फ पढ़ना। पढ़े पढ़ाए बैगेर अनपढ़ उतरे पार, महाराज जी कह रहे पढ़ने से कुछ नहीं बनेगा, पंडित द्वादश कोट में बाल किंचयकार, यानी कि 12 करोड़ ब्राह्मणों के अंदर जो बूढ़ा ब्राह्मण संत था तो उसकी जय जयकार हो रही है, संघ बजा नाद बजा वो पूर्ण पिले, और जो पढ़े पढ़ाए थे वो सारे पार रहे वार रहे। तो अक्रोध, गुस्सा न करना, क्योंकि महाराज जी कहते हैं क्रोध कसाई उर्व से कुबुद्धि छुरा कर घाल, ये क्रोध रूपी से कसाई हमारे हृदय में वास करता है तो छुरी लेने की जरूरत नहीं, बीड़ा भयंकर घा कर देता है, इसलिए इस क्रोध का परित्याग करना ये धर्म के लक्षण है, इन गुणों को धारण करना ही धर्म को धारण करना है, धर्म पर चलना है, यही बात महाराज देवदास जी कहते हैं। उत्तम कुल करतार दे द्वादश भूषण संग, उसने द्वादश यानी 12 गुण बता दिए, सबसे पहले रूप, दर्व मैंने धन, शास्त्र ज्ञान, सत्संग, शील, संतोष, विवेक, समा, भाव, भक्ति, वैराग और योग युक्ति, ये 12 गुण बता दिए महाराज जी ने, ये जिसमें 12 गुण है समझ लो वो साधक वो भगत धर्म के ऊपर चल पड़े। और यही दूसरा शास्त्र कहते हैं सत्यम रूपम श्रुति विद्या कौशलम शीलम बलम धर्म है शौर्य चित्र भाषा दश के सदर सोपानम, कहते हैं जिसके अंदर ये 10 गुण है, सत्य को धारण कर लिया, रूप सौंदर्य है, श्रुति शास्त्रों के अनुसार स्वाध्याय करता है, विद्यावान है, कौशल्य है, शील है, बलवान है, शौर्य है बोलने की, जिसके अंदर कला है, मिठास है, ये 10 गुण जिसमें कहते हैं, जो समझ लो उसके लिए ही सौरभ है।
तो महाराज जी कहते हैं एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ज्ञान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम। चार यज्ञ महाराज जी की वाणी के अंदर क्या है, और शास्त्र भी इसके अंदर पांच यज्ञ बताए हैं, और पांचवा भी इसी के अंदर आ गया जिसको हवन की यज्ञ आ गई पहले तो, तीसरी यज्ञ है धर्म की। धर्म के ऊपर जो चल रहेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा, धर्मो हति हत है धर्मो रक्षति रक्षते, जो धर्म के ऊपर चलेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा, और जो धर्म को मार करके जीने की कला कर सीखेगा तो धर्म उसको मार डालेगा। महाराज जी की चारों यज्ञ एक साथ यहाँ से जो पाठ होता है जो संपूर्ण होती है, और बड़ा ही सौभाग्यशाली ये बालक है जिस पाठ का आयोजन किया, क्योंकि शास्त्र कहते हैं भगवान शिव पार्वती से कहते हैं पार्वती धन्यो माता पिता धन्यो तस्य कुलोत धन्यो भवेत यत्र स्याद गुरु भक्ता, उसके माँ बाप धन्य है, कुल धन्य है जहाँ कोई गुरु का भक्त पैदा होता है और गुरु का भक्त स्थान में वास करता है। इस बच्चे का जन्म होते ही इस पाठ का आयोजन हुआ तो ये बड़ा ही सौभाग्यशाली बच्चा है, क्योंकि शायद ये सत्संग के और आकर्षित ना हो, और ऐसा आयोजन होने के बाद इसमें और भी सत्संग की जिज्ञासा बढ़ेगी और लाइन पर लगेगी, इसलिए इस बच्चे के निमित्त बहुत बधाई देते हैं। ऐसे बालक परमात्मा के सबके कुल में वास करे, तो सुने भगवान की जय। हर इस कुल का क्या नाम बता दीजिए, पूरव, हर इस कुल का ये पूरव प्यारा, वो इस कुल का ये पूरव प्यारा, बाल के आयुष्मान हो, इस कुल का ये पूरव प्यारा, बाल के आयुष्मान हो। ओ हम मालिक से विनती करते, हम मालिक से विनती करते, निर्भद निर्विद्वान हो, इस कुल का ये पूरव प्यारा, प्यारा बाल के आयुष्मान हो। ओ बन के सुंदर सकोमल प्यारा, दानिर बन के दान करे, बन के सुंदर सकोमल प्यारा, दानिर बन के दान करे, वो दुष्टों से ना डरे कभी, ये श्रेष्ठ जनों का सम्मान करे, दुष्टों से ना डरे कभी, ये श्रेष्ठ सम्मान करे, नेता बन के देश अपने कर, नेता बन के देश अपने का जग भर में सम्मान हो, इस कुल का ये पूरव प्यारा, ओ इस कुल का ये पूरव प्यारा, पाल के आयुष्मान हो, हम मालिक से विनती करते, हम मालिक से विनती करते, निर्भय निर्विद्वान हो। अरे सो वर्षों से अधिक हो जीवन, करे धर्म हित काम भी, सो वर्षों से अधिक हो जीवन, करे धर्म हित काम भी, वो मात पिता की सेवा करके पावे मान सम्मान भी, मात पिता की सेवा करके पावे मान सम्मान भी, बंद छोड़ का भगत बने, बंद छोड़ का भगत बने, ये मिले गुरु का ज्ञान हो, इस कुल का ये पूरव प्यारा, ओ इस कुल का ये पूरव प्यारा, बाल के आयुष्मान हो, हम मालिक से विनती करते, हम मालिक से विनती करते, निर्भद निर्विद्वान हो। अरे चोरी जा रे बदमाशी का ना इसके मन में फेरा हो, चोरी जा रे बदमाशी का ना इसके मन में फेरा हो, कोठी रंगले धन माया का किसके घर में डेरा हो, कोठी रंगले धन माया का इसके घर में डेरा हो, भगत की यही आशीष है, शीस भगत की यही दुआ है, सर्व गुणों की खान हो, इस कुल का ये पूरव प्यारा,
इस कुल का ये पूर्व प्यारा पाल के आयुष्मान हो। हम मालिक से विनती करते निर्वद निर्विजवान हो। इस कुल का ये पूर्व प्यारा। तो महाराज की जो वाणी है बड़ी अनमोल है और इस कुल के प्यारे बालक ने इसका आयोजन करवाया है तो धन्य है। धन्य है माता, धन्य है पिता, धन्य है इसका परिवार जो ऐसा आयोजन बंदी छोड़ की महाराज की प्रेरणा से हुआ। तो समय का अभाव है और भी बहुत भगत सत्संग वाणी को आपको सुनाएंगे और 5 मिनट के लिए रोहतास जी और फिर रामचंद्र जी और फिर भगत जी सत्संग वाणी के द्वारा आपको कथा करेंगे। ये समय बार बार नहीं आता, रामचंद्र जी आप आ जाओ भाई, क्योंकि समय बड़ा अनमोल है, इसकी कदर करो। गुरुदेव भगवान की जय। सतगुर पूरण ब्रह्म सतगुर आप अनेक सतगुर रमता राम यामे दीन अनेक। सतगुर के दरबार में जाइए बार बारे डोले वस्तु लगाए दे ऐसे हैं कारे। प्राप्त श्रमणीय आचार्य गीतदास जी महाराज, उनका स्वरूप ग्रंथ साहिब साक्षात स्वरूप हमारे दरबार में दरबार की शोभा बढ़ा रहे हमारे स्वामी सतीशानंद जी महाराज, हमारे श्रद्धे पाठीगण जी रोहतास जी और दादा ऋषि का पूरा परिवार, माइयों बहनों, अभी महाराज जी ने आपको महाराज के बारे में, उनके अवतरण के बारे में और उनके प्रभाव के बारे में आपको बताया। ये परिवार महाराज देवदास की परंपरा से है और मैंने इस परिवार की कई पीढ़ियां देखी हैं। जब लोग खेती बाड़ी करते थे, कोई साधन नहीं होते थे, तो दारछे का पूरा परिवार ही चाचा बनवाली को छोड़कर के चाचा हरद्वारी चाचा मांगीराम सभी जो है कानपुर के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट चलाते थे और इस लेवल का ट्रांसपोर्ट चलाते थे कि उस एरिया के अंदर जितना प्रभाव इनका था, मैं समझता हूं कि बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर का इतना प्रभाव नहीं, क्योंकि उन्होंने उस समय उनका एक भावना थी और उस भावना स्वरूप 70 की बात है, गांव में बाढ़ आ गई थी तो 4-5 महीने मेरे को एक मौका मिला, वहीं पर बारा देवी पे दा भगवान दास जी रहते थे, उनके साथ रहे, इन परिवार के संपर्क में होता है। परिवर्तन समय होता है, परिवर्तन समय के साथ सबसे बड़ी आज बात यह है कि ये आज एक गरीबदासी सेवी, क्योंकि महाराज के 4 पुत्र थे, उसमें सबसे बड़े स्वामी तुलसीराम जी थे और तुलसीराम जी की प्रणाली से ही ये जो है ये परिवार संबंधित है। और इस परिवार में जहां तक संत मत की बात है, इसी परिवार से स्वामी अमृतानंद जी, एक बहुत बड़ी बात है, साधु बहुत बन जाते हैं। इसी परिवार से कोई पुण्य की बात है, स्वामी अमृतानंद जी जरूर धाम, जो एक बहुत बड़ा छुड़ानी धाम के बाद जरूर धाम, रामपुर धाम, जो भूरी वालों के धाम है, उनके आज पीठाधीश्वर है और उनसे प्रेरणा लेकर के ये हमारे तीसरी पीढ़ी विकास और ये उस तरफ से कार्य कर रहे हैं। कहते हैं जब बच्चा गर्भ में होता है
तभी से उसमें संस्कार उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। आर्य समाज की बात है तो दो पति पत्नी, एक इंजीनियर था एक डॉक्टर था, आपस में झगड़ा कर रहे थे, अच्छी कॉलोनी में रहते थे, तो लोग काफी अचंभित हुए कि इस प्रकार के आदमी, इस प्रकार के इतने श्रेष्ठ आदमी आपस में क्यों लड़ रहे हैं। तो पड़ोस वाले जाते हैं, पूछते हैं महाराज कोई कारण तो होगा आपका लड़ने का। बोला भी कोई कारण नहीं है, ये कहती है बच्चा होगा तो मैं डॉक्टर बनाऊंगी और मैं कहता हूं बच्चा पैदा होगा तो मैं इंजीनियर बनाऊंगी। बोला बच्चा कहां है? बोला बच्चा तो अभी नहीं है। तो कहते कहने का तात्पर्य यह है मां बाप के जो संस्कार होते हैं, और जब बच्चा कंसीव होता है और जब बच्चा पेट में आता है उसी समय से मां बाप के संस्कारों को लेना शुरू कर देता है। और जन्म के बाद पहले 13 वर्ष तक मतलब क्या होता था, विकास होता था बच्चे का, क्योंकि 13 वर्ष तक उसमें संसारी नहीं आती है। अब 11 वर्ष तक संसारी नहीं आती, 11 वर्ष तक उसका मन बिल्कुल क्या होता है, निर्मल होता है। अब जैसा उसको ढालोगे वैसा ही। किस्सा आता है अष्टावक्र जी का, आपने अष्टावक्र का नाम सुना होगा। वो एक ऐसे ऋषि थे जो 8 जगह से मुड़े हुए, वो ऐसे उनको श्राप मिला हुआ था। वो श्राप भी किसका मिला था, उनके पिता का। क्या था, अष्टावक्र जी अपनी जो है ब्राह्मण कुल से थे, तो उनके पिताजी कर्मकांडी ब्राह्मण थे, भागवत या कोई वो ग्रंथ में थे, भागवत या कोई चीज उनको पढ़ा रहे थे। तो उस समय कोई कर्मकांड की बात आ गई है, और कर्मकांड की बात जब आई है तो पेट से बोलता है पिताजी क्यों बहका रहे हो, ये बातें तो लागू नहीं होती हैं। तो कहते हैं उसी समय उसके पिता ने उसको थोड़ा सा टच करके लज्जा तू एक क्रूर पैदा हो, और वो अष्ट भंग हुए उसके। लेकिन वो एक ऐसा ऋषि हुआ जिसने जनक राजा ये कहता था कि क्या था, जनक राजा बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन क्या था उसको, उसने गुरु धारण नहीं किया था। तो कहीं सत्संग कर रहे थे, कोई प्रचार कर रहे थे, तो क्या था कि एक ब्राह्मण उठ के बोलता है आप तो, आपको ज्ञान तो है लेकिन आप निगुरे हो, क्या हो, आपको गुरु नहीं है तो आपके ज्ञान का कोई सार्थकता नहीं है। तो उसने चारों तरफ अपने राज्य में एक बोला कि मेरे से विद्वान तो कोई है ही नहीं, एक घमंड आ गया ना। लेकिन क्या है कि चारों तरफ उसने एक अपनी आवाज दी कि कोई मेरे को इतने समय में क्या, रकाब पे पैर रखता हूं और क्या है घोड़े पर चढ़ता हूं, मतलब कितना मिनट होता है, आधा मिनट होता है तब मुझे कोई ज्ञान दे दे तो मैं उसको गुरु बनाऊंगा। उसको ज्ञान देने वाले अष्टावक्र थे। तो इतने बड़े ऋषि हुए हैं। तो कहते हैं कि जब बच्चा पेट में पलता है तो सब कुछ देखता है, और आज तो महाराज की वाणी का श्रवण किया, ये जो श्रवण किया है उसके अंदर वो गुण अवश्य जाएंगे और वो उसी प्रकार से वो बनेंगे जिस तरह से भगवान चाहते हैं। एक इस परिवार की मैं तो आज आया हूं, एक बहुत बड़ी खुशी हुई है, जब पाठ के अंदर समाज आता है और मैं कहता हूं ये तो इस बॉडिया का ही मतलब अपने क्या होता है कि लेडीज का जो संपर्क होता है ना वो ज्यादा आपस में, ये मैं ये समझता हूं ये इस लाइन में ढली हुई है, और ढली हुई है तभी ये माता वर्ग इतने आए हुए हैं और पाठ की शोभा बढ़ा रहे। कई बार क्या होता है, एक छोटा सा किस्सा है, कई बार क्या होता है कि परिवार में पति धार्मिक होता है पत्नी नहीं होती है, या पत्नी धार्मिक होता है या पति नहीं होता, तो उसमें एक भी यदि धार्मिक है तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। एक अंगद गुरु जी हुए माधोपुर में, रियासत के मतलब क्या थे, सेनापति थे। तो उसमें क्या हुआ, वो बहुत ही जो है ना क्या था,
धर्म को नहीं मानता था, धर्म को नहीं मानता था, कहता था कोई धर्म कांड कर्म कांड कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। लेकिन उनकी पत्नी जो उनको विवाह पर आई वो बहुत ही धर्मपरायण थी, बदल कैसे कर सकता है, बहुत ही धर्मपरायण थी। और उसका भतीजा जो है नरेश था वो सेनापति था माधोपुर रियासत है, तो ये खंडाल के पास है, उसमें जो एक आज ऐतिहासिक बात बता रहा हूं। तो क्या होता है, एक दिन उसने अपने साधु जनों को, अपने गुरुओं को अपने रानी निवास में बुला लिया। तो क्या था, राजपूत परंपरा में ये थी कि रानी निवास में कोई मर्द साधु नहीं जा सकता था, लेकिन वो बैठे थे, भोजन कर रहे थे, तो भोजन कर रहे थे वो आ जाता है तो साधुओं पे नाराज हो जाता है, क्योंकि सबक क्या होता है, जो असली साधु होते हैं वो बिल्कुल वैसे नहीं खाते हैं, जब किसी धर्म जाते हैं तो शब्द कीर्तन करके ही खाते हैं, क्योंकि गृहस्थी का जो टुकड़ा है वो बहुत ही वो पचता नहीं है जब तक धर्म नहीं करोगे, क्योंकि एक चौथाई भाग जो दाता है उसका किस में चला जाता है, खाने वाले में चला जाता है, जब तक वो कीर्तन नहीं करता। अच्छे संत कभी भी पहले कीर्तन करेंगे उसके बाद भोजन करेंगे। तो कीर्तन कर रहे थे, भोजन तैयार था, वो आता है ये रानी निवास में कौन मर्द घुस गए और उन्होंने उसको वहां से भगा दिया। लेकिन वो इतनी धर्मपरायण थी उनकी पत्नी, उसने अपने मुंह के ऊपर जो है ना अपना चुमड़ी बांध ली और जो है आसन पाती लेके बैठ गई और आवरण अनुसर कर दिया, मैं तो जब तक नहीं खाऊंगी जब तक इन महाराजों का सम्मान नहीं। तो उसको बड़ी परेशानी हुई। तो आखिर में उसको मतलब क्या था, धार्मिक नहीं था, लेकिन ढूंढ के वो लेके आया। साधु का मन एक बच्चे जैसा मन होता है, उसको कोई गाली देता है या उससे प्यार करता है, प्यार वाला भी ठीक है और गाली वाला भी ठीक है। साधु का संत बहुत ही निर्मल होता है, संभव। तो क्या है, वो साधु वो क्या हुआ, वो ढूंढ के लाया और ला करके बोला, भगवान मेरी से गलती हो गई, आपका अपमान किया है, मैं आपसे माफी मांगता हूं। तब वो अपना व्रत तोड़ती है। उसके बाद वो इतना बड़ा धार्मिक होता है, अपने वो नरेश के अपने भतीजा उसका नरेश है, वो जो है ना कहीं मुस्लिम रियासत पे अटैक करता है और उसमें वो राजा मुस्लिम राजा मारा जाता है और उसका मुकुट लेके आ जाता है और उस मुकुट में एक हीरा है, उस ही और जवाहरात लगे हुए, क्योंकि राजा महाराजा मुकुट जवाहरात बहुत पहनते थे। तो उस हीरे को निकाल करके अपनी जेब में रख लेता है और मुकुट को ले जाकर किसको दे देता है, राजा को दे देता है। लेकिन चुगली करने वाले बहुत होते हैं, किसी ने बताया ये महाराजी ये आपको जो दिया है इसमें एक बहुत बड़ा अच्छा हीरा था, उसको इन्होंने निकाला। तो नरेश क्या होते हैं, जो सत्ता होती है पावर करप्ट से, एब्सोल्यूट पावर करप्ट से घमंड आ जाता है। तो उसको क्या है, उसके साथ एक षड्यंत्र रचता है, इसने हीरा फिर बोला, भाई आपने जो हीरा लिया था वो क्यों नहीं दे रहा है। उसने कहा ये हीरा तो मैं जगन्नाथ पे चढ़ाऊंगा, ये इतिहास है, ये हीरा कहां चढ़ाऊंगा मैं, कितना मतलब धर्मपरायण हो गया, एकदम उल्टा हो गया, पति पत्नी में से एक भी कोई जो है भगवान का साधक हो तो उसका परिवार पे असर पड़ता है। तो क्या है, वो हीरा जब उसने लिया है तो उसने बहुत कोशिश की नरेश ने, उसके भतीजे ने, भाई ऐसा है जो युद्ध के क्षेत्र के अंदर जो भी चीज मिलती है उस पर राज्य का अधिकार होता, तेरा अधिकार नहीं है। नरेश मैं तो ये हीरा जगन्नाथ को चढ़ाऊं। तो उसने एक कुटिलता सोची, उसकी विधवा बहन थी सेनापति की, उसको बहकाया और उसने बोला यदि तुम इसको जहर दे दोगी तो क्या है तुम्हें मैं एक रियासत का भाग दे। तो उसने क्या है, किसी गलत फहमी में उसने खाना वही बनाती थी, उस अंगद जी के बहुत बड़ा भगत हुआ है, अंगद जी के खाने में जहर मिला दिया, तक्षक का जहर मिला दिया। तक्षक का जहर क्या होता है, यदि एक बार चख ले तो क्या हो जाता है, मृत्यु। लेकिन क्या था, उस विधवा बहन की क्या थी, एक छोटी सी 6 साल की लड़की थी, वो अपनी जो है ना भांजी से बहुत प्यार करता था
और उसके साथ ही रोटी खाता था। तो उसने जब वो जहर मिलाया तो क्या हुआ, उसने जहर मिलाने से क्या हुआ, उसे रोटी मतलब क्या है, वो लड़की को उसकी माँ ने, उसकी बहन ने उसको छिपा दिया, लेकिन वो लड़की के बगैर रोटी नहीं खाता था। उसने ठाकुर का भोग लगाया, ठाकुर का भोग जहर वाला लग गया। जब उसकी जब वो नहीं माना रोटी नहीं उसने नहीं खाई, तो उसकी बहन को एक कर्ण आ गई, एक ऐसा आ गया कि मेरी बच्ची से इतना प्यार करता है और मैं इसको जहर खिला दी, तो रोने लगी, भाई मेरे से गलती हो गई, इस खाने को मत खाना, इसमें जहर मिलाया हुआ है। फिर वो ये कहता है जिस ठाकुर का भोग लग गया, क्या लग गया, जिस ठाकुर को जहर का भोग लग गया उस ठाकुर को क्या पीड़ा हुई होगी, ये मेरे लिए धिक्कार है, और जिसका भोग लगे है उसको मैं भी वो सारे खाने को खा जाता। उसमें फिर क्या होता है, जगन्नाथ भगवान जी उसको क्या है, विष को उस खाने से खत्म कर देते। फिर क्या होता है, सेना चारों तरफ से घेर लेती, इतिहास ही है, चारों तरफ से सेना घेर लेती है और घेर करके चढ़ाई कर देती है। वो क्या होता है, वो जो है भाग जाता है और हीरे को कहाँ डाल लेता है, अपनी पगड़ी में डाल लेता है, और जब भागता है तो सेना जी भाग के कहाँ जाएगा, आखिर में जाके एक खंडास गांव के पास एक तालाब है, उसमें जाके घुस जाता है और हीरे को लेकर के, और क्या करता है, हाथ 700 किलोमीटर है सवाई माधोपुर से जगन्नाथ, 700 किलोमीटर है, 700 मील, 700 कोस, इसका मतलब 2100 किलोमीटर, एक कोस के अंदर 3 किलोमीटर, 2100 किलोमीटर होते हैं, और भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान यदि मैंने आप कोई कर्म से, वचन से या मेरी बुद्धि में किसी प्रकार का विकार मतलब कोई किसी तरह आपके प्रति समर्पित ना हूं, तो इस हीरा जो मैंने एक प्रण लिया है इसको आप हीरे को क्या है स्वीकार कर लो। कहते हैं जगन्नाथ का हाथ होता ना, जगन्नाथपुरी से 2100 किलोमीटर आकर के हाथ जो बढ़ता है और इस हीरे को लेके चला जाता है, बोल जगन्नाथ जी महाराज की। वो हीरा आज भी जगन्नाथ के वक्ष पे रखा हुआ है, किस पे, छाती पे हीरा सशोभा। ऐसे भगत होते हैं, एक तो जान मीराबाई ने जहर पीकर नाची थी, कुछ नहीं हुआ, जब भगवान ये खुश होते हैं, जब भगवान जिस पे कृपा करते हैं उसका हमेशा कल्याण होता है। आज इज मेरे आश्रय, मैं आज इज के पास गैर गैर लागया करूं जब न धर्मी। महाराज गरीबदास जी, समय कम है, जैसा भी महाराज गरीबदास जी ने एक ऐसा परंपरा बनाई है, समाज को सुधारने की परंपरा बनाई है। महाराज कहते हैं कि क्या है कि तुम मनुष्य बन जाओ, डॉक्टर राधाकृष्ण जी कहते हैं जब मानव से मानव बनता है, जब मनुष्य मनुष्य बनता है ये उसकी जीत है, जब मनुष्य से दानव बनता है ये उसकी हार है, जब मानव से क्या करता है महामानव बनता है वो उसका चमत्कार है। जैसे महाराज गरीबदास जी, कबीर साहेब जी, वो एक चमत्कारी पुरुष हुए हैं, इन्होंने समाज को उतारने के लिए, समाज को आगे मतलब क्या है कल्याण करने के लिए पैदा हुए हैं। तो मैं बंदी छोड़ महाराज से एक जो है ना एक अर्थ धर्म का मोक्षेना पूर्ण करें सितावे मनसा के दाता से ही देवे नहीं जवाबे। हे बंदी छोड़ महाराज, जो भी माई भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हुआ है, अपने जो भी मनोकामना लेके आया है उसकी मनोकामना महाराज, इस बच्चे को दीर्घायु करना, और बंदीशोर महाराज आपके ही गुणगान गाता रहे, ये परिवार आपकी परंपरा से है और आपकी परंपरा से परिवार जो आगे बढ़ रहा है, इनमें यही संस्कार देते रहना, यही बंदीशोर महाराज आपके पाठ करवाने का मकसद पूरा होगा। बोल बंदीशोर महाराज, हमारे बीच में रोहतास जी है हमारे भाई प्रेम, जो ब्रह्मलीन प्रेम उनके भाई हैं, जिन्होंने एक परंपरा पाठी मंडली चलाई थी और एक पाठ का एक रास्ता दिखाया था, वो प्रेम है जिसमें 1970 में हमने धोड़े चमार के जाकर के पाठ किया था, उस छुआ साथ को तोड़ा था, उस जाति पाति को तोड़ा था और उन बंधनों को तोड़ा था जब आदमी इनसे छुआ साथ करते हैं।
तो मैं अनुरोध करूंगा कि उन्हीं के भाई एक बहुत अच्छी आवाज दी है, ये बंदी छोड़ की कृपा है, तो मैं समझता हूं कि उसका हम लाभान्वित होने चाहिए। 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जैसा भी समय हो, रोहता जी से निवेदन करता हूँ कि अपने विचार रखें। रोहता जी पुत्र न हुए
पाइए पूर्ण ब्रह्म अलेख। कहते हैं उनके यहां अनेक रानियां थी और वो चाहते तो शायद और भी शादी कर सकते थे, लेकिन उनके उनके किस्मत में उनके भाग्य में संतान की प्राप्ति नहीं। तो पुत्र की प्राप्ति होना एक माता पिता के लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, और आज मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं उन माता पिता को, उनके और भी बड़े जो दादा होंगे या और दूसरे पूर्वज जो भी रहे हैं। और भाई रामचंद्र जी ने अभी बताया कि ये तो गरीबदास जी महाराज की प्रणाली के ही आगे वंशज चले आ रहे हैं, तो इसकी तो एक महत्व और भी बड़ा बढ़ जाता है कि ये महाराज की प्रणाली से और उसी वंश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि वो बच्चा बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत किस्मत का धनी है कि उसके जन्मदिन के अवसर पर महाराज की वाणी का अखंड पाठ हो रहा है। तो मैं बंदीशोर से प्रार्थना करता हूं कि हे बंदीशोर, आप सदैव ही उस पर, उस छोटे बच्चे पर और इस पूरे परिवार पर अपना मेहर का पंजा बनाए रखना और इस परिवार को धन समृद्धि संपन्नता पूर्ण रूप से बख्शना। जहां तक आपके परिवार, आपके दरबार में, आपके यहां पर जिन भी माई भाई ने यहां पर अपनी हाजिरी लगाई है, अपनी पुष्प पत्तियां अर्पित की हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार धन भी अर्पित किया है, उसे भी स्वीकार करना और हे बंदीशोर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कर देना। आपके दरबार में बंदीशोर जो भी यहां पर आया है किसी को खाली हाथ मत जाने देना, सबकी झोली भर के बंदीशोर यहां से भेज देना, मेरी यही प्रार्थना। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि आज बड़ा सौभाग्य है जो हम कह रहे हैं कि अखंड पाठ का आयोजन हुआ है, लेकिन उस बात का महत्व तो और इस बात के लिए बढ़ जाता है कि किसी घर में संत का आगमन होता है। मैं आभार प्रकट करूंगा स्वामी सतीशानंद शास्त्री जी के प्रति, उनका धन्यवाद करूंगा इस परिवार की तरफ से, सभी पूरी संगत की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने समय निकाला और दो तीन दिन का जो समय यहां पर आपने दिया, निश्चित रूप से संत की उपस्थिति, संत का पदार्पण, संत का आगमन किसी घर में बहुत शुभ माना जाता है। तो हे बंदीशोर इसी तरह से इस घर में, इस परिवार में, इस छोटे से बच्चे को अपना आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखना और ऐसे ही संस्कार बनाए रखना कि आपके चरणों में इन सब का ध्यान रहे और इसी तरह से आपकी वाणी का प्रचार प्रसार, अखंड पाठ इस घर में, इस देश में, इस प्रदेश में इसी तरह से बराबर होता है। जहां तक हमारे आपसी बातों की बात है, मैं शायद कल संध्या आरती पर भी मुझे थोड़ा सा मौका मिला था बोलने का, तो मैं तब भी कह रहा था कि जब तक हम निष्काम भाव से अगर जब तक बंदीशोर के साथ नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक उस बात की पूर्ण रूप से पूर्ति नहीं होती। कहते हैं जब लग भक्ति सकाम है तब लग निष्फल सेव, और कहें कबीर वे क्यों मिले निकामी निज दे। जब तक भक्ति के साथ में कामना जोड़ के अगर हम काम करते हैं, कुछ मांग लेते हैं कि हमें ये दे दीजिए, ये करा देंगे, ये दीजिए, ये करा देंगे, तो उसको कहा गया है कि निष्काम भाव से जो श्रद्धा और भक्ति के साथ जो सेवा की जाती है उसकी हाजिरी बंदीशोर के दरबार में जाके लगती है। महाराज कहते हैं अपनी वाणी में, गरीबनी इच्छा सो तेत है सो दान कहावे, फल बांचे नहीं तास का अमरापुर जावे। कहते हैं निष्काम भाव से जो दान पुण्य किया जाता है उसकी सीधी हाजिरी अमरापुरी में जाके लगती है। तो आज इस परिवार ने देखो, जन्मदिन तो आते रहेंगे बंदीशोर, इतनी दीर्घायु के बच्चे हमारे यहाँ पर होंगे, आते रहेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि भले ही ये अवसर उनके जन्मदिन का है, लेकिन इस पाठ का जो आयोजन है ये निष्काम भाव का है, इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है। ये तो एक इनकी भावना थी, एक इनकी श्रद्धा थी, एक इनका विश्वास था कि अभी बच्चे का जन्मदिन भी है और महाराज का पाठ कर, तो निश्चित रूप से ये हाजिरी वहां पर लग चुकी है। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए एक छोटी सी बात यहां पर कहना चाहूंगा कि एक समय की बात है, एक पुरानी बातें हैं, गरीबी उन दिनों में होती थी, एक कोई सब्जी विक्रेता होता, वो किसी नजदीक के शहर से सब्जी खरीद कर और गांव में एक छोटी सी दुकान चलाता था,
और वहां अपना गुजारा अपने परिवार का अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। तो एक दिन वो क्या होता है, अपनी साइकिल से सब्जी लेकर आ रहा था तो उसको रास्ते में एक हीरा पड़ा हुआ मिल गया। अब उसने देखा, उसको पहचान तो नहीं थी उसकी ये क्या चीज है या क्या इसकी कीमत है। उसने देखा यार बड़ी चीज तो चमकदार है कोई, उसने साइकिल रोका और उसने उसको उठा लिया और अपने घर आ गया और अपनी दुकान सजाई, आलू की टोकरी में आलू रख दिए, प्याज की में प्याज, गाजर टमाटर जो भी वो लेके आया था अपनी दुकान उसने सजा दी और आलू की टोकरी के बीच में उसने उस हीरे को भी रख दिया। अब ग्राहक आते हैं और जिसको जो जरूरत होती है वो चीज मांगते हैं, लेकिन एकदम से, क्योंकि हीरे की चमक जो होती है वो तो एक आकर्षण का केंद्र होता है, वो हर कोई उसको देख रहा है कि यार बहुत चमकदार चीज है, हर कोई उससे पूछता भी है कि भाई ये क्या है, क्योंकि उसको बेचारे को कुछ पता नहीं वो क्या चीज है, लेकिन वो कुछ ना कुछ बात कह के उनको टाल देता है या थोड़ी देर में अपने आप खुद ब खुद वो चले जाते हैं। इस तरह से होते होते दोपहर हो जाती है, शाम का टाइम होता है, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, थोड़ा सा 5 मिनट का समय आप ले लें। शाम का समय होता है तो एक जोहरी आ जाता है। अब क्योंकि जोहरी को तो हीरे की परख होती है, दो मिनट बातचीत ना करो प्लीज। तो क्या होता है, जोहरी आ जाता है और जोहरी को हीरे की परख होती है और उसने पहचान लिया कि ये तो हीरा है। अब वो कहता है उस सब्जी वाले से कि भाई ये क्या है, उसने देखा, देखूं तो सही, इसको पता भी है या नहीं है। तो उसने सोचा मैं क्या जवाब दूं, उसने कह दिया क्यों, तेरे को दिखाई नहीं देता क्या है। उसने सोचा भाई इसको पता है इसका मतलब क्या है। तो उसने कहा कि बेचोगे, बोला और किस लिए रखा है, बेचने के लिए रखा है, मतलब कुछ ऐसी बातें करता रहा जिससे उसको शक नहीं हुआ कि ये चीज क्या है, उसको पता नहीं। तो उसने कहा कि बोलो क्या लोगे। अब वहां पे वो थोड़ा सा घिर जाता है, उसने सोचा इसकी क्या कीमत मांगूं। तो उसने, उन पुराना जमाना था, 100-200 रुपए की बहुत भारी कीमत होती थी, उसने ऐसे कह दिया मैं 200 रुपए लूंगा। अब जो जोहरी था उसको भी लालच आ गया, उसने सोचा कि वाकई इसको पता नहीं ये क्या चीज है, इसने तो वैसे ही मांग लिया इसका 200 रुपए, क्योंकि कीमत तो बहुत ज्यादा है। तो उसने कहा ले भाई 100 रुपए ले और ये मुझे दे दे। अब दुकानदार ने भी कुछ बात दिमाग में आई, उसने सोचा कि पहले ही प्रयास में ये 100 रुपए दे रहा है तो इसका मतलब ये चीज कोई ना कोई कीमती जरूर है। तो कहने लगा नहीं भाई मैं तो 200 रुपए लूंगा। उस जोहरी ने सोचा कि चल थोड़ी देर इधर चला जाता हूं और थोड़ी देर में वापिस आकर दोबारा ले लूंगा, 200 में ले लूंगा। वो चला जाता है, थोड़ी देर में दूसरा जोहरी आ जाता है और वही बातें दोहराता है, ये क्या चीज है, बेचना है, क्या लोगे, यहां तक पहुंच गया। और उसने कहा कि ये 200 रुपए में, उसने क्योंकि उसने पहचान लिया था ये बहुत कीमती चीज है, हीरा है, उसने खटाक से 200 रुपए निकाले और उसको दे दिए और हीरे को लेके चला। इतनी देर में वही जोहरी फिर आता है वापस जो पहले दे के गया था, वो कहने लगा कि हाँ दे और जो चीज रखी थी वो दे, 200 ले चल ठीक है। बोला वो तो बिक गया। बोला कितने का, बोला 200 रुपए कीमत मैंने बताया कि 200 रुपए का मिल गया। तो वो जोहरी कहता है कि अरे भाई तू तो लूट गया। कहने लगा कैसे, कहने लगा वो तो हीरा था, उसकी तो लाखों करोड़ों में कीमत थी और तूने 200 रुपए में बेच दिया। वो कहने लगा भाई साहब लुटा मैं नहीं, लुट तो तू गया, तेरे को एक चीज का ज्ञान था कि ये चीज क्या है, फिर भी तू उसको 100 रुपए के लालच में उसको छोड़ के चला गया और मेरे लिए तो वो 200 रुपए इतना दे गया कि मेरा तो कई काफी दिनों तक मेरा तो परिवार बड़े अच्छे से रहे। तो ये उदाहरण देने का मेरा अभिप्राय ये है कि जब हम जान चुके हैं कि बंदीश्वर महाराज क्या हैं, क्या उनके साथ जुड़ने से हमें क्या कुछ मिल सकता है, तो लेकिन फिर भी अगर हम पहले वाले जोड़ी बन के उस हीरे को छोड़ जाएंगे तो भाई फिर तो पछताना ही पड़ेगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि विशेष रूप से सुरानी धाम वालों को मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा, वैसे तो सबके लिए ये संदेश है कि उनको पता है गरीबदास जी महाराज क्या शक्ति थे, क्या थे, क्या हैं, थे नहीं हैं,
और फिर भी अगर हम उनके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं तो हमारे लिए एक दुर्भाग्य है और उनके लिए सौभाग्य है कि जो दूसरे वाला जोड़ी बनकर उस हीरे को ले जाता है, उसको अपना लेता है या उसके साथ जुड़ जाता है। तो ये परिवार निश्चित रूप से वही जोड़ी है जिसने हीरे को पहचान लिया है। और यहाँ पर मैं दूसरी बात, तो कम से कम मैं आया हूँ यहाँ पर, अपना पार्ट पहले ही हुआ था एक बार, और इस तरह से यहाँ पर हो गया। इसका मतलब यह है इस परिवार ने उस हीरे को पहचान लिया है, गरीबदास जी महाराज को पहचान लिया है। तो हे बंदीशोर, ज्यादा समय न लेकर मैं आपसे फिर से ही प्रार्थना करता हूँ कि इन बच्चों को